इंडिजीनियस, और आज जो है वर्ल्ड इंडिजीनियस डे है, विश्व मूल निवासी दिवस है। तो ये इंडिजीनियस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है ये पहले हमको समझना होगा। तो भारत में आदिवासियों के साथ में विश्व आदिवासी दिवस का नाम लेकर जो इस देश के असमानता को, जो इस देश में विषमता को, जो इस देश में गैर बराबरी को स्थापित करना चाहते हैं वो, और इस देश में कौन इंडिजिनियस है उसका आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है तो उसका अंग्रेजी भी अर्थ भी होता है। इंडिजिनियस का अर्थ है नेचुरली एग्जिस्टिंग, मतलब जो नैसर्गिक रीता रहते हैं, एग्जिस्टिंग अभी रहते हैं, नेचुरली एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस और कंट्री रैदर देन अराइविंग फ्रॉम अनादर प्लेस। क्लियर लिखा हुआ है इसका शब्द का अर्थ कि यदि किसी देश में नेचुरली जो लोग पहले से रहते हैं वही लोग इंडिजिनियस है, बाहर से आकर रहने वाले लोग इंडिजिनियस नहीं है। तो क्या सिर्फ आदिवासी एग्जिस्टिंग है? क्या अछूत एग्जिस्टिंग नहीं है? क्या ओबीसी इस देश का नहीं है? क्या इनमें से धर्म परिवर्तित मुसलमान, ईसाई, सिख, मथुआ, लिंगायत, शरणा इस देश का नहीं है? तो भारत सरकार इंडिजिनियस शब्द का अर्थ आदिवासी क्यों निकाल रहा है? क्या सोच है भारत सरकार की? क्या छत्तीसगढ़ सरकार की सोच है? यह पहले समझना होगा, क्योंकि यह युद्ध है। युद्ध में रणनीति बनानी पड़ती है। दुश्मन रणनीति बना रहा है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर बहुसंख्यक आदिवासी राज्य है वहां पर ये धूमधाम से मनाया जा रहा है और उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ आदिवासी का है, इस बात पर उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। और आदिवासियों के अंदर जो दलाल और भले शासकीय अधिकारी है, शासकीय कर्मचारियों के अधिकारियों के संगठन है, या फिर जनता के जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से पैसा देकर विश्व आदिवासी दिवस मनाकर आदिवासियों की सेग्रीगेट करके उनके पिटाई करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। और उसके अंदर उसके जिम्मेवार खास तौर पे ट्राइबल के अंदर शासकीय कर्मचारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है। ये दलाल और भड़ों के माध्यम से आदिवासियों को अछूतों से, मुसलमानों से, धर्म परिवर्तित लोगों से, ओबीसी से सेग्रीगेट करके उनकी पिटाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सरकार के माध्यम से कार्यक्रम लगाकर सरकार के पैसे से, हमारे खून और पसीने के पैसे से हमारे ही पिटाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये वर्ल्ड इंडिजिनियस डे का मकसद नहीं है।